अस्सलाम वालेकुम अर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है प्रोफाइल वाटर फ्लो डायरेक्शन एरो ऑन अलाइनमेंट इन सिविल 3D। थंबनेल से जैसे नजर आ रहा है कि अलाइनमेंट पे कुछ एरो नजर आ रहे हैं जो के प्रोफाइल की डायरेक्शन के हिसाब से उनकी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी हम देखते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ ड्राइंग में मेरे पास एक अलाइनमेंट है और इसी की एक डिज़ाइन प्रोफाइल है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये कैसे जो है इसमें वर्क करता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक NSL है और ये दूसरा जो है इसमें डिज़ाइन का प्रोफाइल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसके लिए आपने अपना जो भी एरो का स्टाइल है वो अपने ड्राइंग में कोई भी ड्रा कर लें, आप कहीं से इंपोर्ट कर लें, तो आपने एक एरो बना लेना है, ठीक है। और इसमें जो है आप इसको बाउंड्री करके इसमें हैच कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पिक करता हूँ, ओके, और अभी मैं इसको हैच कर देता हूँ, ओके। और इसका कलर कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने इसको रेड रखा है, ओके। अभी आप इसका एक ब्लॉक बना लें, इसके लिए आपने बी कमांड देना है और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके कोई भी आप एक नाम दे लें, मैं इसको 001 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका बेस पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक हमारा बन गया है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। अभी हमने इसके लिए जो है वो अपना एक लेबल क्रिएट करना है, तो लेबल क्रिएट करने के लिए आपने सेटिंग टैब में जाना है, यहाँ पे अलाइनमेंट का ये जो प्लस का बटन है आपने इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे ये लेबल स्टाइल है, लेबल स्टाइल में हमें ये जो स्टेशन है यहाँ पे हमने इसको प्रोफाइल ज्योमेट्री पॉइंट का जो है वो लेबल बनाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉपी कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है आपने इसको एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो भी नेम है एक्सप्रेशन का आप वो दे लें यहाँ पे। तो हमने इसमें ग्रेड लाना है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लो पैरो का नाम दे देता हूँ, ओके। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, यहाँ पे आपने ये जो इफ है इसको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने ये जो प्रोफाइल ग्रेड है आपने यहाँ पे इसको ये जो लिखा हुआ है, ओके, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल जो है ये साइन आपने ले लेना है और यहाँ पे आपने 0 सेलेक्ट किया, कॉमा 0, और यहाँ पे फिर आपने कॉमा देना है। ये सारी वैल्यूज आपने इसी जो ये जो इंटरफेस बना हुआ है इसी से इंटर करनी है, जो यहाँ पे नहीं है वो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास पाई की वैल्यू जो यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। कोई भी चीज़ जैसे ये इफ़ है, अगर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, तो आपने जैसे इसको ओके कर देना है। यहाँ पे ये ग्रेड के नाम के ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई है, आप यहाँ पे कोई भी न्यू स्टाइल बना लें, ठीक है। मैं इसको स्लो पैरो का नाम दे देता हूँ, ओके, तो मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आपने इसको जो है ओके, अभी हमने न्यू किया है इसको, ठीक है। और आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर न्यू नहीं करना चाहते आप तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ओके। कॉपी किया, कॉपी में आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको जो है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ पे ये ब्लॉक मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इंफॉर्मेशन में भी मैंने इसको स्लो पैरो यहाँ पे कर दिया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो ब्लॉक हमने 001 के नाम से जो एरो बनाया था, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हम बाद में देखते हैं कि हमने कैसे देना है इसको। ये हमारी एक्सप्रेशन थी जो इसकी रोटेशन को कंट्रोल करेगी, तो ये ग्रेड के नाम से हमने बनाई थी। यहाँ पे आपने प्रोफाइल ज्योमेट्री पॉइंट लेबल स्टाइल लेना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ब्लॉक हमने वहाँ पे रखा था वो आ गया यहाँ पे। तो इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओके, और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये अलाइनमेंट पे अपीयर नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको अभी तक ये लेबल असाइन नहीं किया। तो यहाँ पे आपने एडिट अलाइनमेंट लेबल में चले जाना है और यहाँ पे ये जो
प्रोफाइल ज्योमेट्री पॉइंट है आपने इसको ले लेना है। यहाँ पे हमने ये स्लोप लेबल के नाम से क्रिएट किया था, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। प्रोफाइल हमारी डिजाइन प्रोफाइल है, यहाँ पे जो भी लेबल आप रखना चाहें आप रख लें, ठीक है। जनरली जो है इसमें हाई पॉइंट जो है, ठीक है, और इसको हम जो है वो नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं जस्ट अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारे एरो जो है जिस डायरेक्शन में हमारी प्रोफाइल की फ्लो है उस डायरेक्शन में ये एरो यहाँ पे शो हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये एरो इस साइड में है, जबकि जो ये चेन जैसे ही आगे बढ़ता है इधर प्रोफाइल में यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है। तो यही क्वेश्चन था कि ये जो डायरेक्शन के एरो हैं यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे, ओके, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो स्टार्ट है वो इधर से स्टार्ट है, ओके, और यहाँ पे जाके ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है और यहाँ पे भी ये, ओके। तो यही इसका मेथड था कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे होता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली कर्व थी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, ये जैसे ये फर्स्ट वाला है, ओके, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, और अभी जो है जो नेक्स्ट ये वाला है ग्रेड, वो यहाँ पे आके यहाँ पे ये एरो रिवर्स का आ रहा है। तो आपका इस वीडियो के बारे में या इससे पहली वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।